मतलब ब्लॉग कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, मतलब अभी बारिश नहीं हो रही है, देख सकते हैं हल्का फुल्का धूप दे रहा है तो अच्छा लग रहा है। तो आज घूमने जाने का प्लान बनाया है धुरवा डैम साइड, और आज ना मेरी फ्रेंड लोग भी उधर जा चुकी है क्योंकि उन लोग का एग्जाम है वही आसपास में ही। एक गो मेरी फ्रेंड का जो कि सेंटर पड़ा है उधर, तो उधर ही अभी घूमने जा रहे हैं। अभी पहले उन लोग को भी ले लेंगे, उसके बाद साथ में घूमने जाएंगे। तो अभी फटाफट से निकलते हैं, गेट जो कि खुल चुकी है और टाइम भी हो रहा है, जल्दी से निकलते हैं ताकि जल्दी से घूम भी पाए। नहीं तो अभी मौसम का ना कोई भरोसा नहीं है, कब बारिश हो जाए कब धूप निकल जाए पता ही नहीं चलता है। अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं और जस्ट अभी ही मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया था कि उसका एग्जाम जो है वो खत्म हो गया है, तो वो सीधा डैम जा रही है धुरवा डैम। तो अभी मैं एग्जाम सेंटर नहीं जाऊंगी, सीधा धुरवा डैम ही जाऊंगी, वहीं पे हम लोग मिलेंगे और वहीं पे घूमेंगे मस्ती करेंगे। तो यहाँ से अभी सीधा धुरवा डैम के लिए निकलते हैं। तो अभी फाइनली पहुंच चुके हैं धुरवा डैम और गाड़ी को पार्किंग में लगा दिए हैं, और इधर साइड देख सकते हैं हम लोग को जो कि आगे जाना पड़ेगा। मेरी फ्रेंड लोग जो है उन लोग पहले ही यहाँ पहुंच चुकी है और उन लोग अभी घूम रही है, तो फटाफट से आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे जो कि पतला सा रास्ता बनाया हुआ है चलने के लिए, काफी सारे लोग यहाँ पे घूमने आए हुए हैं और यहाँ पे लाइट भी लगा हुआ है, रात में जलता है लाइट। तो वहाँ पे जो कि मेरी फ्रेंड लोग दिख गई है, तीनों को वहाँ पे पूरा पोज मारने लग गई है, फोटो खिंचाने लग गई है। तो अभी उन लोग के साथ पहले मिलते हैं, उसके बाद घूमेंगे सभी कोई साथ में। यहाँ पे डैम के किनारे किनारे काफी मस्त वाला पत्थर बिछाया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे जो कि बहुत मस्त वाला सीन आ रहा है, इसीलिए काफी सारे लोग आए हुए हैं घूमने, उधर भी इतने सारे लोग हैं। तो अभी नीचे चलते हैं, एक बार नीचे से भी मजा लेते हैं डैम का। यहाँ पे उतरने के लिए सबसे पहले चप्पल उतारना पड़ेगा, वरना फिसल के सीधा डैम पानी में कूद जाएंगे। तो यहाँ पे किनारे में पहले चप्पल सबको रख लेते हैं, इन लोग का बैग यहाँ पे रखा हुआ है। अब चलते हैं नीचे, काफी बड़ा बड़ा है पत्थर सब, लेकिन और पैर रखने में डर भी लग रहा है क्योंकि कोई अगर हिल गया तो सीधा लुढ़क के नीचे उतर जाएंगे। तो फाइनली अभी नीचे आ गए हैं और देखिए पानी के सामने आ गए हैं, और थोड़ा सा नीचे पहुंचेंगे तो पानी पहुंच जाएगा। यहाँ क्या है ना, कोई कोई पत्थर सब हिल रहा है तो उसमें डर भी लग रहा है पैर रखने में कि कहीं कोई घसक ना जाए। तो अभी पानी जो कि पानी का साउंड ना यहाँ पे बहुत मस्त आ रहा है, पानी का अभी हवा चल रहा है ना, तो हवा चल रहा है तो पानी को ढकेल के इधर ला रहा है, साउंड इसका बहुत मस्त आ रहा है यहाँ पे सुनने में। और देखिए क्या मस्त, अभी पानी को छूते हैं कैसा लगेगा, अभी गर्म हो गया है क्या पानी, वाह ठंडा ठंडा पानी है यहाँ का पानी जो कि ठंडा ठंडा है। और आगे साइड दिख रहे होंगे कि काफी सारे लोग नहा रहे हैं यहाँ पे, और ऊपर में काफी सारा बाइक रखा हुआ होगा आप लोगों को दिख रहा है ऊपर में जो कि रोड है। तो काफी सारे लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं, यहाँ आके मेरे फ्रेंड लोग से भी मिल लिए, दो चार फोटो क्लिक कर लिए और इधर तो सब तरफ घूम लिए। अब आगे साइड चलते हैं डैम के किनारे किनारे, काफी दूर से पत्थर बिछाया हुआ है देख सकते हैं, वहां से जो कि शुरुआत हो रहा है लास्ट वहां पे है, और वहां से लेकर एकदम लास्ट तक पत्थर बिछाया हुआ है। तो काफी लोगों का मतलब नहाने का भी सुविधा हो जा रहा है और देखने में भी अच्छा लग रहा है, अच्छा व्यू आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा बैठ लिए हैं कुछ देर के लिए, और यहाँ बगल में कुछ बना हुआ है, शायद पानी सप्लाई का कुछ बना हुआ होगा वैसे लग रहा है। धुरवा डैम के बीचों बीच में अभी हम लोग आ गए हैं और थोड़ा सा बैठ गए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, घूमने के लिए आए हुए हैं इसीलिए। और इस डैम के बारे बोलूं तो ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, और ये धुरवा डैम रांची के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आधा रांची में पानी सप्लाई यहीं से होता है। और यहाँ का खासियत ये है ना कि यहाँ पे बहुत मस्त से पत्थर बिछाया गया है, देख सकते हैं सब तरफ जो है पत्थर ही दिख रहा होगा पानी के किनारे किनारे, तो यहाँ पे बैठ के इंजॉय करने का मजा ही कुछ और है। और शाम के टाइम में अगर आया जाए तो उस टाइम तो धूप भी नहीं लगेगा, अभी तो पानी प्यास से गला सूख रहा है और काफी गर्मी भी लग रहा है, तो आइसक्रीम ले लेते हैं। अब कैसा कैसा आइसक्रीम है पहले देख लेते हैं, उसके बाद लूंगी जो आइसक्रीम अच्छा लगेगा। दो आइसक्रीम ले लिए हैं, अभी काफी गर्मी है मतलब धूप दे रहा है तो अभी आइसक्रीम खाने मन कर रहा है इसीलिए आइसक्रीम ले लिए, और अभी यहाँ पे नहीं खाएंगे, धूप दे रहा है इसीलिए गाड़ी के सामने जाके खाएंगे, वहां पे जो कि गाड़ी पार्किंग में लगी हुई है। गाड़ी के सामने तो आ गए और आइसक्रीम का छिलका भी मैं निकाल ली, तो अभी खा लेते हैं उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। दूर दूर तक बस पानी ही पानी दिख रहा है तो देखने में अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे पतला पतला सा रास्ता भी बनाया हुआ है तो आराम से गाड़ी में घूम सकते हैं। किसी किसी डैम में तो इतना सुविधा नहीं रहता है बट इसमें है, और आज क्या है ना कि संडे है इसीलिए मुझे तो अधिक ही भीड़ दिख रहा है, और भी दिन हो सकता है लेकिन आज छुट्टी विशेष कर रहता है सभी का, तो आज के दिन तो घूमने आते ही है इधर साइड।
वो जो आप लोगों को दूर में दिख रहा है वो डैम का गेट बोल सकते हैं, वहां से ही डैम का पानी को छोड़ा जाता है। तो चलिए मैं आप लोगों को सामने से दिखाती हूँ। तो अभी जो कि पुल के सामने आ गया है, इधर से काफी सारा बाइक आ रहा है, ऐसा लग रहा है आगे में काफी भीड़ होगा। और कुछ कुछ लड़कियां भी आई हुई है पुल के सामने में, खड़ी है देखिए, फोटो क्लिक वगैरह कर रही है। तो आगे चलते हैं और हम लोग भी थोड़ा सा रुक लेते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा सा घूम लेते हैं। यहाँ पे इतना धूप दे रहा है कि जगह जगह में आइसक्रीम वाला दिख रहा है, देखिए यहाँ भी एक आइसक्रीम वाला है। पुल से नीचे का व्यू बहुत ही खतरनाक आ रहा है, एकदम गड्ढा ही गड्ढा टाइप से दिख रहा है इधर से पानी जो कि निकलता है। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ डैम का गेट। ये देख रहे हैं, ये जो कि स्टाफ लोगों का चलने के लिए बनाया गया है ऊपर में, और ये जो रस्सी टाइप से दिख रहा होगा ये बहुत ही मजबूत रस्सी है, वो भी लोहा का रस्सी है। और नीचे जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ ये लोहा का गेट है, काफी मजबूत है, और यहीं से जो कि पानी बाहर निकलता है, उस लोहा का रस्सी से इस गेट को बांध दिया गया है। ऊपर में जब घुमाया जाता है तब इस रस्सी के सहायता से ही ये लोहा का गेट ऊपर आता है और जो पानी रहता है वो निकलता है। बारिश का मौसम जब आता है तब तो आप लोग जानते ही हैं डैम भर जाता है, और अधिक भरने के कारण डैम का टूटने का भी डर रहता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी को छोड़ दिया जाता है यहाँ से। डैम का गेट तो अभी यहाँ पे देख लिए, अब आगे तरफ चलते हैं, आगे और क्या क्या देखने का मिलता है देखते हैं। यहाँ पे अभी सबसे अधिक आइसक्रीम सेल हो रहा है, जगह जगह पे आइसक्रीम का ठेला देखने को मिल रहा है, एक आइसक्रीम का ठेला जो कि आगे आगे जा रहा है, देख सकते हैं। इतना धूप दे रहा है कि सभी आइसक्रीम ही ले रहे हैं। अभी डैम के दूसरे साइड काफी गड्ढा है भाई, गड्ढा ही गड्ढा दिख रहा है, और इधर साइड तो रह गया डैम, यहाँ से पत्थर बिछाया हुआ है और उधर पानी है, और ये रास्ता जो है काफी पतला है देखिए, फिर भी साइड में कार लगाया हुआ है, एक साइड बाइक है एक साइड कार है, कहीं टच हो गया ना तो लुढ़क जाएगा दोनों साइड का गाड़ी। और इसके जस्ट नीचे और एक रास्ता है देखिए, और उसी रास्ता से हम लोग को अभी घर जाना है। और इधर साइड पत्थर बिछाया हुआ नहीं है, आधा से अधिक में पत्थर बिछाया हुआ है, इधर घास उग गया है, पत्थर नहीं है इसीलिए। और यहाँ पे बन रहा है रांची का स्मार्ट सिटी, देखिए क्या मस्त लग रहा है, क्या चकाचक रोड है, और लाइट वगैरह तो लग गया है लेकिन अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट होना थोड़ा सा बाकी है अभी भी। और ये रह गया HEC का कैंपस जो कि धुरवा डैम के नजदीक ही है, एकदम हरियाली ही हरियाली दिख रहा है रास्ता के किनारे किनारे, काफी पेड़ पौधा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ पे बन रहा है ओवरब्रिज, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन काम अभी चल ही रहा है। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।